उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम बढ़ गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर जनपद में भी दिखने लगा है। गुरुवार की रात से ही पछुआ हवाओं से दिन और रात का टेम्परेचर गिरने से गलन बढ़ गई है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के द्वारा आगामी 3 जनवरी तक शीतलहर के साथ घना कोहरा पड़ने की संभावना है और सभी डिपार्टमेंट अलर्ट हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में शीतलहर के साथ साथ कोहरा अधिक पड़ रहा है। इस मौसम में कोई आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। वाहन चलाते समय हेडलाइट का प्रयोग करें और धीमी गति से वाहन चलाएं, और जब भी बाहर निकलें तो गर्म कपड़े पहन ही निकले ताकि ठंड ना लगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जनपद में निशुल्क 13 रैन बसेरे क्रियाशील हैं और सभी लोग ठंड से बचकर रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अभी जो हम लोगों को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सूचना प्राप्त हुई है, आगामी 3 दिनों तक जनपद गोरखपुर को ऑरेंज जोन में रखा है और डेंस फॉग की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं उसमें, तो अगले 3 दिनों तक जो है वो जनपद और उसके आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और उसके मद्देनज़र डिपार्टमेंट्स को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है और सभी डिपार्टमेंट्स उसमें अलर्ट मोड में हैं और उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपदवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि डेंस फॉग के सिचुएशन में यदि बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले, और जब भी कोई ड्राइविंग कर रहे हों, चाहे मोटर बाइक की ड्राइविंग कर रहे हों या फिर फोर व्हीलर की ड्राइविंग कर रहे हों, तो अपनी हेडलाइट्स को ऑन रखें और धीमी गति में वाहन को चलाएं और यथासंभव मतलब पूरे कपड़े पहन करके निकलें, और जिससे कि किसी प्रकार की ठंडक उन्हें ना लगे। और यदि कोई भी आगंतुक किसी क्षेत्र से बाहर से आ रहे हैं तो जनपद में विभिन्न जगहों पे 13 रैन बसेरे मतलब स्थायी रैन बसेरे क्रियाशील हैं, तो उसमें वो आश्रय ले सकते हैं। निःशुल्क है, समुचित समस्त व्यवस्थाएँ वहाँ पर हैं। जनपद के बहुत से सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए जाने की व्यवस्था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से की गई है और उसका सत्यापन भी कराया जा रहा है, तो हर जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है। कंबल वितरण की भी कार्रवाई युद्ध स्तर पे है और जहां जहां भी आवश्यक है वहां पे माननीय जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में कंबल वितरण की कार्रवाई भी हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही अनुरोध करूंगा कि ठंडक से बचाव में सभी का सहयोग करें और यथासंभव जहां तक हो सके अपने घरों से कम निकलें।